अगर आप एक हैचबैक ढूंढ रहे हैं एंड आपका बजट 6 लाख है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ ऑल्टो K10 जो कि VXi प्लस मॉडल है, मैनुअल के अंदर इसका टॉप एंड वेरिएंट है ये, जो कि आपको पड़ेगा 5,35,000 रुपीज़ का एक शोरूम प्राइस। एंड दूसरी कार है हमारे पास द मारुति सुजुकी सिलेरियो जो कि है VXi मॉडल, एंड ये कार आपको पड़ेगी अराउंड 5,75,000 एक शोरूम प्राइस। दोनों कार्स बहुत सेम है क्योंकि इंजन दोनों के अंदर बिल्कुल सेम मिलता है। माइलेज इस कार की है 24.4 की, माइलेज इस कार की है 25.2 की। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 6 लाख के अंदर आपके लिए बेटर कार कौन सी रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, बट इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को शुरू विदाउट एनी फर्दर अडू। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो कार मेरे पास खड़ी है वो CNG वाला वेरिएंट है, लेकिन मैं कंपेयर नॉर्मल VXi को ही करूंगा, CNG वाली वेरिएंट को नहीं करूंगा। नॉर्मल वाला पेट्रोल VXi वाला वेरिएंट इस टाइम पे शोरूम पर नहीं खड़ा था, इसीलिए मैंने कंपैरिजन के लिए CNG यहाँ पर खड़ी करी हुई है। फीचर्स के अंदर जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सब नॉर्मल VXi का होगा, CNG का नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलिंग की। अब स्टाइलिंग एक ऐसी चीज़ है, हर किसी को अपनी गाड़ी की लुक्स अलग लगती है। मुझे सिलेरियो पर्सनली थोड़ी सी बेटर लगती है ऑल्टो के कंपैरिजन में, एंड सिलेरियो थोड़ी बड़ी भी है तो इसकी थोड़ी सी और रोड प्रेजेंस मुझे लगती है। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि सिलेरियो की जो लेंथ हमें मिलती है दैट इज़ 3,695 mm अगर मैं आपको यहाँ साइड में दिखाऊं, वेयर एज ऑन दी अदर साइड अगर हम ऑल्टो की बात करें तो ऑल्टो इससे कुछ 10 सेंटीमीटर के आसपास छोटी है, क्योंकि ये आती है 3,530 mm के करीब। विड्थ की अगर हम बात करें तो सिलेरियो फिर से थोड़ी बड़ी मिलती है हमें, 1,655 mm की हमें विड्थ मिलती है सिलेरियो के अंदर, एंड ऑल्टो के अंदर हमें 1,490 mm की मिलती है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो सिलेरियो है 1,555 mm, एंड इन दी ऑल्टो हमें मिलती है 1,520 mm। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 3 सेंटीमीटर्स के आसपास का फर्क है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेरियो के अंदर आपको 2,435 mm की व्हील बेस मिलती है, एंड अगर हम ऑल्टो की बात करें तो 2,380 mm की। अब यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो विड्थ हाइट लेंथ एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, किसी को थोड़ी छोटी गाड़ी चाहिए होती है, लेकिन व्हील बेस एक ऐसी चीज़ है, व्हील बेस से एक्चुअली काफ़ी फर्क पड़ता है, ड्राइविंग के अंदर आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा आपका व्हील बेस होगा गाड़ी उतनी ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो अगर हम ड्राइविंग डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो जस्ट फ्रॉम द नंबर्स हम ये बता सकते हैं कि सिलेरियो थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है कंपेयर टू दी ऑल्टो। तो इसके अंदर तो मेरे हिसाब से सिलेरियो थोड़ी सी लीड ज़रूर ले जाती है। अगर हम वैसे भी बात करें तो ये VXi मॉडल के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हेडलैम्प्स आपको हैलोजन मिलेंगे, थोड़ा क्रोम स्ट्रिपिंग आपको देखने को मिल जाएगी इसके आसपास, नीचे आपको फॉग लैम्प्स देखने को नहीं मिलते लेकिन फॉग लैम्प्स का कटआउट ज़रूर आपको दिया गया है। उसके अलावा ये है बड़ी कर्वेशियस सी गाड़ी है। उसके अलावा अगर हम ऑल्टो की बात करें तो ऑल्टो को सबसे पहले तो देख के मुझे महिंद्रा की एक E2Q इलेक्ट्रिक कार आती थी, इस गाड़ी को देख के मुझे उसकी याद ज़रूर आती है क्योंकि बड़ी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, एंड आपको देखने से ही पता चलेगा कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है। उसके अंदर भी अगर हम देखें तो आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, फॉग लैम्प्स की कोई जगह तक नहीं दे रखी है इस गाड़ी के अंदर आपको। स्टील व्हील्स की अगर मैं बात करूँ तो 13 इंच के स्टील व्हील्स आपको इस कार में मिलते हैं, एंड अलॉय व्हील का कोई ऑप्शन नहीं है। टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है, एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हैं बट कार में आपको 13 इंच के स्टील व्हील्स ही मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको पुराने स्टाइल के डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर्ड आपको पैनल्स मिलते हैं हर जगह, जो मुझे थोड़ी अच्छी चीज़ लगी। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी आपको बॉडी कलर्ड ORVMs नहीं मिलते, ये एक छोटी सी मुझे ड्रॉबैक ज़रूर लगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम सिलेरियो की बात करें तो सिलेरियो के अंदर भी आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स ही मिलते हैं, अलॉय व्हील्स इसमें भी नहीं आते, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे सिलेरियो के अंदर, VXi मॉडल में नहीं आता। उसके अलावा ORVM जो है आपको बॉडी कलर्ड मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस कार के अंदर भी आपको मिलते तो डोर हैंडल्स पुराने स्टाइल के ही हैं, एंड इसमें भी हर चीज़ आपको बॉडी कलर के हिसाब से मिलती है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर हम रियर में बात करें तो रियर इन दोनों कार्स का काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलता है। फ़र्क जो है वो ये है कि इसके टेल लैंप्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से और ऊपर की तरफ एक कर्व सी दे दी है इसके अंदर, इसके अंदर वो कर्व मिसिंग है। बट उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो रेयर डिज़ाइन में कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी सिलेरियो की वो ये है कि डिक्की खोलने के लिए आपको एक डोर हैंडल दिया गया है यहाँ पर, जबकि ऑल्टो के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑल्टो के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको चाबी से ही अपनी गाड़ी खोलनी पड़ेगी।
उसके अलावा अगर हम नीचे भी देखें तो कोई रिफ्लेक्टर्स, कोई रियर फॉग लैम्प कुछ नहीं है इस गाड़ी के अंदर। वेयर एज इन द सिलेरियो अगर हम देखें तो आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, रियर फॉग लैम्प तो इस कार में भी नहीं आता। बाकी रही बात दोनों कार्स में, तो ये VXi प्लस मॉडल टॉप एंड वेरियंट है इसका मैनुअल के अंदर, उसके अंदर आपको कोई रियर डिफॉगर नहीं देखने को मिलता, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा। इस कार के अंदर अगर मैं बात करूँ तो VXi मॉडल में आपको रियर डिफॉगर नहीं देखने को मिलेगा, ZXi में वो देखने को मिल जाता है, तो एटलीस्ट दैट इज़ अ गुड थिंग। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो अभी हम सिलेरियो के अंदर हैं, सिलेरियो के अंदर आपको जो इंटीरियर मिलता है इट इज़ ओके। इस सेगमेंट में आपको इसी टाइप का इंटीरियर देखने को मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। कुछ चीज़ें ज़रूर अच्छी हैं, फॉर एग्जांपल ये जो सिल्वर इंसर्ट्स आपको हर जगह दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत एक अच्छी लुक दे देते हैं डैशबोर्ड को। उसके अलावा आपके पास ये काफ़ी एग्रेसिव लाइनिंग आपको दे रखी है इसके आसपास। नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है, कोई लेदर ऐप नहीं है, जो कि नॉर्मल है इस सेगमेंट के लिए। मैनुअल आपको एसी देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ ज़रूर है कि मारुति ने आजकल नई कार्स के अंदर यहाँ पर विंडो कंट्रोल देने शुरू कर दिए हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है। नॉर्मल विंडो के ऊपर ही अगर दिए जाते तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके अलावा अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है ऑब्वियसली मारुति को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं कुछ भी इस पर टैप करने की कोशिश करता तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की फील आती है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्लास्टिक भी नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर तो मारुति को ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, बट ओवरऑल उसके अलावा इंटीरियर इज़ नॉट बैड। ऑल्टो की इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इसके अंदर भी आपको थोड़े बहुत सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर स्क्रीन के आसपास, बट उसके अलावा ये भी जो डैशबोर्ड है एंड इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। एक चीज़ फ़र्क ज़रूर है कि उसके अंदर जितने आपको एग्रेसिव लाइनिंग जो दे रखी थी ऑल्टो के अंदर आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। एंड ऑल्टो का जो डैशबोर्ड है काफ़ी फ्लैट है, जिसकी वजह से एक फ़ायदा ज़रूर आपको मिलता है, वो ये है कि थोड़ी स्पेस आपको गाड़ी में और मिल जाती है। सिलेरियो के अंदर डैशबोर्ड देखने में थोड़ा बेटर है बट स्पेस उसके अंदर थोड़ी कम रह जाती है, ऑल्टो के अंदर आप वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा विंडो स्विचेस जैसे कि मैंने बताया आपको 20 सेंटर में ही देखने को मिलेंगे इस कार के अंदर। मैनुअल एसी मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस कार की एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि आपको एक डिजिटल क्लस्टर मिलता है। सिलेरियो के अंदर आपको नॉर्मल नीडल्स मिलती हैं, इसके अंदर आपको डिजिटल मिल जाता है। एंड रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो वही सेम चीज़, प्लास्टिक इंटीरियर है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है। मारुति को इंटीरियर पे और एंड बिल्ड क्वालिटी पे और काम करने की ज़रूरत है, बट ओवरऑल इंटीरियर अगेन इज़ नॉट टू बैड। फीचर्स देखने के बाद पर्सनली मैं ऑल्टो को प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑल्टो 30,000 सस्ती होने के बावजूद भी, इनफैक्ट 40,000 सस्ती होने के बावजूद भी आपको ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग आपको इस कार में मिल जाएगा, एक रेडियो सिस्टम यानी कि डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है इस कार के अंदर, मल्टी फंक्शनिंग स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाएगा इस कार के अंदर। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें ऑटोमेटिक मिरर कंट्रोल्स मिल जाते तो मेरे हिसाब से ये कार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। एंड अगर हमें रियर में भी ऑटोमेटिक मोटराइज्ड शीशे मिल जाते तो एक अच्छी बात हो जाती है, बट उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको ऑल्टो के टॉप मॉडल में देखने को मिल जाएंगे। वेयर एज अगर मैं सिलेरियो की बात करूँ तो सिलेरियो 40,000 महंगी होने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मिसिंग है, यानी जैसे कि मल्टी फंक्शनिंग स्टेयरिंग व्हील, एक स्टीरियो सिस्टम भी नहीं मिलता आपको इस कार के अंदर, जिसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको शोरूम से ही कोई एक्सेसरी इसके अंदर लगवानी हो, एक स्टीरियो सिस्टम लगवाना हो, तो शोरूम से वो एक्सेसरी सिस्टम जो है वो महंगा मिलता है। एंड अगर आप बाहर से लगवाते हैं तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है। बट उसके अलावा इसमें भी आपको काफ़ी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ फीचर्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो ये है कि आपको मोटराइज्ड मिरर्स मिल जाते हैं ORVMs के लिए, एंड आपको चारों शीशे इस कार के अंदर मोटराइज मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको सिलेरियो में अच्छी देखने को मिल जाती हैं, बट आई फील 40,000 सस्ती होने के बावजूद भी ऑल्टो के अंदर जो आपको फीचर्स मिलते हैं मेरे हिसाब से थोड़े बेटर हैं। Also a very special thanks to Auto Vogue Maruti Suzuki Panchkula, जिन्होंने आज मुझे ये दोनों कार्स दी हैं रिव्यू के लिए। अगर आप पंचकुला या ट्राई-सिटी के अंदर रहते हैं एंड आपको मारुति की किसी भी कार के बारे में कोई भी इंटरेस्ट है तो आप इनको कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। अब इंजन वाइज अगर मैं बात करूँ दोनों कार्स के अंदर इंजन एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। 1 लीटर का इंजन आपको इस गाड़ी में मिलेगा, 1 लीटर का इंजन K10C टेक्नोलॉजी के साथ आपको इस कार में मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। पावर फिगर्स बिल्कुल सेम है इस कार के अंदर, आपको जो पेट्रोल इंजन मिलता है वो 66 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता है एंड 89 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सिमिलरली इस गाड़ी के अंदर भी 66 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 89 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जहां फ़र्क आता है वो है माइलेज का, क्योंकि ये कार आपको प्रोड्यूस करती है 24.4 की माइलेज, वेयर एज इस कार के अंदर आपको मिलेगी 25.2 की माइलेज। बहुत ज़्यादा छोटा फ़र्क है लेकिन फ़र्क है। अगेन ये
ये जो मैंने पावर फिगर्स आपको बताए हैं एंड माइलेज फिगर्स मैंने आपको बताए हैं, ये नॉर्मल VXI वेरिएंट के हैं, VXI CNG के नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम VXI प्लस ऑफ द ऑल्टो एंड VXI ऑफ द सिलेरियो को हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 6 लाख के बजट के अंदर आपको इसका नॉर्मल वेरियंट ही मिलेगा, CNG वेरियंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पेस की दोनों कार्स के अंदर। अब सिलेरियो ऑब्वियसली ऑल्टो से बड़ी गाड़ी है, तो स्पेस इस कार के अंदर में ज़्यादा मिलनी चाहिए। सो हम देखते हैं एक बार। अब मैं 6'2" का ड्राइवर इस कार के अंदर बैठ गया है एंड जो सीट है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट पहले से ही कर रखी है, तो मेरे को अभी एज अ ड्राइवर अगर मैं इस गाड़ी को चला रहा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती एंड सीट में अपने हिसाब से ऐसे ही रखता। अब अगर मैं पीछे वाली सीट पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस कार में 1.5 इंच का लेग रूम मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट देन अगेन बैठने में मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। विड्थ वाइज अगर मैं बात करूँ तो विड्थ वाइज मुझे लगता है कि 3 एडल्ट्स के लिए बैठना पीछे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 3 बच्चे आराम से बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 एडल्ट्स का बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट उसके अलावा स्पेस वाइज मुझे ऐसा दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं हेडरूम भी मेरे पास आराम से 2 इंच के आसपास है, तो स्पेस वाइज और कोई दिक्कत नहीं है एंड इट्स ओवरऑल ओके। बट अगर मैं ऑल्टो की बात करूं तो ऑल्टो के अंदर जैसे ही मैं बैठूंगा तो ड्राइवर सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। 6'2" का ड्राइवर अभी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है एंड अगर मैं गाड़ी चला रहा होता तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत ना होती। बट अब अगर मैं इस गाड़ी के पीछे जाता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2 से 2.5 इंच का लेग रूम है, जो कि सिलेरियो से भी ज़्यादा है। अब सोचने में ऐसा लगता है कि ऑल्टो सिलेरियो से काफ़ी छोटी गाड़ी है, फिर भी इतना ज़्यादा फर्क कैसे पड़ सकता है? अब उसका जो डिफरेंस है एक्चुअली पड़ता है डिक्की के अंदर, क्योंकि अगर मैं डिक्की की बात करूँ तो डिक्की के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। ऑल्टो K10 की डिक्की सिलेरियो से काफ़ी ज़्यादा छोटी है, 214 लीटर्स की डिक्की आपको इस कार में देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिक्की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 बैग्स 3 बैग्स आप रख सकते हैं इस डिक्की के अंदर, बट देन अगेन अगर आपको एक लंबे ट्रिप के लिए जाना हो तो थोड़ी मुश्किल आपको आ सकती है इस कार के अंदर। कार्गो ट्रे भी ऊपर दी गई है जो कि काफ़ी स्टर्डी है, तो इसके ऊपर भी अगर आपको कुछ सामान रखना हो तो आप रख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सिलेरियो की बात करूँ तो सिलेरियो के अंदर हमें 313 लीटर्स की डिक्की मिलती है, जो कि ऑल्टो से अराउंड 100 लीटर ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि सिलेरियो के अंदर आपको कितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है। लेकिन क्योंकि ये CNG वेरिएंट है तो पीछे CNG का टैंक लगा हुआ है इस कार के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा डिक्की इस कार में नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल सिलेरियो दिखाता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल वाली सिलेरियो लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये डिक्की देखने को मिलेगी, 313 लीटर्स, एंड आप देखते ही बता सकते हैं कि ये ऑल्टो से कितनी बड़ी डिक्की है। 100 लीटर्स कोई छोटी स्पेस नहीं होती, यहाँ पर आप 4 बैग्स आराम से रख सकते हैं, इनफैक्ट अगर थोड़ा पैक करके रखेंगे तो 5 बैग्स भी आ जाएंगे। लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में आपको इस कार में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऑल्टो में थोड़ी सी आ सकती है। कार्गो ट्रे आपको इस कार में भी देखने को मिल जाएगी, जिसको आप खोल भी सकते हैं कुछ ऐसे, ये भी काफ़ी स्टर्डी है, तो अगर इसके ऊपर भी आपको कुछ सामान रखना है तो आप इजीली रख सकते हैं। एंड सो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ द VXI मॉडल ऑफ द सिलेरियो एंड VXI प्लस मॉडल ऑफ द ऑल्टो K10। मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर आप लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे ज़्यादा जाते हैं, अगर आपका हाईवे ड्राइविंग थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको मेरे हिसाब से सिलेरियो चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी थोड़ी बड़ी है एंड स्पेस वाइज थोड़ी बेटर है ये कार। एंड ऊपर से अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो भी आपको सिलेरियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्पेस थोड़ी ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी एक छोटी फैमिली है एंड सिटी में आप ज़्यादातर ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे नहीं जाते, तो ऑल्टो मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ी बेटर ऑप्शन रहेगी, क्योंकि पहली बात तो ये 40,000 सस्ती है, फीचर्स आपको थोड़े बेटर मिलते हैं एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज कम्फर्ट वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं है, क्योंकि इंजन तो दोनों के अंदर सेम ही मिलता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड 90% कार में अगर हम देखें तो दोनों कार्स ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस का फर्क आपको मिलता है दोनों कार्स के अंदर। बट यही था मेरी तरफ से इस रिव्यू में गाइज। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। बट यही था इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।